सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इसरो की तरफ से है। दोस्तों, कल पता चला है कि इसरो के कंप्यूटर एक तरह के मालवेयर से इन्फेक्टेड है, जिसकी वजह से इनको आसानी से हैक किया जा सकता है। इंडिया और फ्रांस के सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने इस बात को संडे को पता लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई हैकर इसे हैक कर लेता है तो इसरो की रॉकेट लॉन्च की कमांड उसके हाथ में आ सकता है। इंडियन रिसर्चर्स के मुताबिक इसरो के कंप्यूटर सिस्टम में एक तरह के ट्रोजन मालवेयर को पाया गया है, जिसका नाम एक्सट्रीम रैट है। पहली बार इस वायरस को इसरो के सर्वर में दिसंबर 2017 में देखा गया था। इसरो के तरफ से अभी के लिए कहा गया है कि अभी वायरस से इन्फेक्टेड हुए सारे कंप्यूटर सिस्टम और पोर्ट्स को डिजेबल कर दिया गया है। अगला अपडेट F-35 की तरफ से। दोस्तों, आप सब लोग अलग अलग डिफेंस न्यूज वेबसाइट्स में देखते होंगे कि F-35 को लेके हमेशा कोई ना कोई न्यूज आती रहती है। कभी न्यूज आती है कि इंडिया F-35 को खरीदना चाहती है, तो कभी न्यूज आती है कि इंडिया F-35 को खरीदना नहीं चाहती है। लेकिन आज मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले ही इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने ये साफ साफ कहा है कि इंडिया F-35 में इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही यूनाइटेड स्टेट्स से F-35 को लेके कोई भी बातचीत की जा रही है। और अभी हम बात करते हैं कि इंडिया के लिए F-35 क्यों सही नहीं है। F-35 को हमारी करेंट मीडियम रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट के द्वारा रिफ्यूल नहीं किया जा सकता है और ना ही ये हमारे ग्राउंड बेस्ड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से इंटरफेस कर सकते हैं। और अभी इंडियन एयरफोर्स मेनली रशियन ओरिजिन वेपन सिस्टम को इस्तेमाल करता है, जो कि F-35 में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। और हमें F-35 की पूरी वेपन सिस्टम के लिए अलग से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि F-35 के ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा और हमें इससे रिलेटेड कुछ भी अपग्रेडेशन या फिर चेंजेस करने के लिए यूनाइटेड स्टेट से मदद लेना पड़ेगा और हमें काफ़ी सारे सीक्रेट्स को यूनाइटेड स्टेट के साथ शेयर करना पड़ेगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। दोस्तों, आप सब लोग जान चुके होंगे कि इंडियन एयरफोर्स की सिंगल इंजन फाइटर जेट प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया है। लगभग 20 सालों के बाद इंडियन एयरफोर्स अभी नए फाइटर जेट्स को अपनी फ्लीट में शामिल करने की कोशिश कर रही है। कल गवर्नमेंट के तरफ से कहा गया है कि राफेल जेट्स की पहली बैच डिलीवर होने के बाद एडिशनल राफेल जेट्स के लिए भी ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। इसके अलावा अभी डिफेंस एक्सपो से पहले ही इंडियन एयरफोर्स के लिए नए फाइटर जेट्स के लिए फ्रेश न्यू टेंडर को भी निकाला जाने वाला है। इस बार इसमें कोई भी इंजन लिमिटेशन नहीं रहेगी, मतलब सिंगल इंजन और ट्विन इंजन फाइटर जेट इस टेंडर में हिस्सा ले सकते हैं। पहले इंडियन एयरफोर्स अपनी MiG-21 और MiG-27 फ्लीट को फॉरेन सिंगल इंजन फाइटर जेट से रिप्लेस करना चाहता था, जबकि अब इसे इंडिजीनियस तेजस से रिप्लेस किया जाएगा। अगला अपडेट भी इसरो की तरफ से है। इसरो के ऑफिशियल ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी इसरो चंद्रयान 2 को अप्रैल में लॉन्च करने की कोशिश कर रही है और अगर अप्रैल में ये लॉन्च नहीं हो पाती है तो इसे अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा। ये इंडिया का दूसरा लूनार मिशन है, जिसमें पहली बार एक 6 व्हील वाली रोवर को सॉफ्ट लैंड किया जाएगा और ये पहली बार होगा जब किसी रोवर को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड किया जाएगा। और इसी महीने के अंत तक GSAT-6 का भी लॉन्च किया जाने वाला है, उसके तुरंत बाद ही IRNSS-1I का भी लॉन्च किया जाएगा। अगला अपडेट डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से है। मंगोलिया के डिफेंस मिनिस्टर न्यामांगिन एक्बोल्ड इंडिया के विजिट पर आए हुए हैं। उनको इंडिया के दौर पर आने के लिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने निमंत्रण किया था। उनके इस विजिट के दौरान उन्होंने अपने इंडियन काउंटर पार्ट से मुलाकात किए हैं और उनकी मीटिंग के दौरान दोनों देशों के बीच बायलेटरल रिलेशनशिप को लेकर बातचीत की गई है। इस दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर भी कुछ पैक्ट्स पर साइन किए गए हैं। एक और न्यूज भी डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने प्राइवेट फर्म्स को डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए एक इन्विटेशन दिया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलिट्री एमुनेशन में एक स्पीच देते हुए उन्होंने कहा कि वो प्राइवेट फर्म्स को डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करना चाहते हैं, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी हम डिफेंस सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं और अभी सिर्फ 37 कंपनीज हैं जो कि आर्म्स और अमुनेशन को मैन्युफैक्चर करती हैं, जबकि हमारी डिमांड को नज़र में रखते हुए ये संख्या काफ़ी बढ़ने की आशा की जा रही है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।